गाइस, मेरा बताया हुआ ये एक ग्लास सुबह उठकर खाली पेट पी लीजिए रोजाना। एक महीने में आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आज का वीडियो इतना इफेक्टिव है और इतना ज्यादा रिलेट करता है आप लोगों की रिक्वेस्ट से, क्योंकि आप लोगों की हेवी डिमांड पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि प्लीज कुछ तो ऐसा बताएं कि जो हमारा वेट लॉस भी हो जाए और हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो बस आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। आज आपको मैं एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जो आपका इतना तेजी से वजन कम करेगा और साथ में आपके शरीर में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। आपको कभी खून की कमी नहीं होगी, प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी, आपकी स्किन, आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी स्किन पे एजिंग आने लगती है, हमारे हेयर फॉल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में कमियां होने लगती है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स की, आयरन की, विटामिंस की। तो हमारी बॉडी बहुत अजीब सी लूज पड़ने लगती है। तो ये आपको फुल ऑफ एनर्जी भी देगा और सारी प्रॉब्लम्स को दूर भगा देगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जमकर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ चिया सीड्स के बारे में। चिया सीड्स फुल ऑफ आयरन से भरपूर होती है, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है, विटामिन्स होते हैं और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि इसमें पालक से 3 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है? इसके साथ साथ इसमें ऑरेंज से यानी संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है और इसके साथ में केले से 2 गुना ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। ये फुल ऑफ प्रोटीन से भरा होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम वेट लॉस के बारे में, तो उसी के बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या लॉजिक है ये आपका वेट लॉस करता है। चिया सीड्स में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, ठीक है, इसकी वजह से अगर आप इसको रोजाना सुबह खाली पेट लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी भूख बहुत ज्यादा देर तक के लिए मिट जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपने इसका एक ग्लास पिया आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा हुआ फील होगा, आप एक्स्ट्रा क्रैविंग से बचेंगे। जब आप एक्स्ट्रा खाएंगे नहीं तो वो आपके शरीर में जमेगा नहीं, वसा के रूप में नहीं जमेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है फैट बढ़ता क्यों है हमारे शरीर में, वो जानना बहुत जरूरी है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, डाइजेशन पावर हमारी खराब हो जाती है, ठीक है, तो हमारा जो भी खाना है वो सड़ने लगता है शरीर में। क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। सड़ने की वजह से वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहीं पर जब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो हमारा खाना हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप इसका एक ग्लास पियेंगे तो आप नोटिस करेंगे, आज से पहले को अपने नोटिस करना और अब से नोटिस करना कि आप में फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, आप पूरा दिन बहुत चुस्त और दुरुस्त फील करेंगे, आप एकदम एक्टिव फील करेंगे, आपको सुस्ती नहीं आएगी, आपको लेजीनेस नहीं होगी, ठीक है। और ये आपके पेट में जितनी भी इनडाइजेशन की समस्या है, जैसे कब्ज हो गई, आपको एसिडिटी बनना, खट्टे डकारे आना, पेट फूलना, ये सारी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से दूर कर देगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। क्या प्रॉब्लम है कि जो अब वेट तो आपका बढ़ेगा नहीं, लेकिन वेट कम कैसे होगा? ये आपके शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा वसा है यानी जितना भी चर्बी जमा है ना, उसको भी ये पिघलाता है, स्पेशली आपके बेली एरिया पे जो फैट है। आप नोटिस करेंगे कि अगर इसको आप लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आपका बेली एरिया से बहुत अच्छे से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे मुद्दे के बारे में, जो आजकल 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में सब लोगों को फेस करनी पड़ रही है। क्या बता सकते हैं वो क्या प्रॉब्लम है? जी हाँ, बालों की। बाल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बाल हमारे ना हो तो हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल जीरो लगती है, ठीक है। लेकिन अगर बाल अच्छे हो तो हमारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन आजकल सब लोगों को क्या समस्या हो रही है? हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, समय से पहले हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं रहा और इसके साथ साथ गंजेपन के हम शिकार होते जा रहे हैं। तो अगर आप चिया सीड का सेवन करेंगे तो उसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके बालों को लंबा करता है, घना करता है और उनका झड़ना बंद कर देता है। तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब बारी आती है तीसरी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो हम सबको फेस करनी पड़ रही है, चाहे हमारी उम्र 15 साल की है या फिर 60 साल की। क्या प्रॉब्लम है? स्किन प्रॉब्लम। हमारी स्किन समय से पहले बूढ़ी होती जा रही है, स्किन पर ग्लो खत्म हो गया है, पिंपल्स, एक्ने बहुत ज्यादा हो गए हैं और हमारे स्किन पे डार्क सर्कल, अनइवन स्किन बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम से फाइट करके आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लेकर आता है, उसमें टाइटनेस लेकर आता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको बोन्स की प्रॉब्लम है या आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल सबसे पहले ढीली पड़ने लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपकी
हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके बोन्स को बहुत लंबे टाइम तक किसी भी प्रॉब्लम से बचा के रखेगा। तो आप इसको इनटेक जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वेट लॉस प्रोसेस पर हैं या नहीं भी हैं, तो अगर आप बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ ये आपके शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। ये एक रिसर्च में भी पाया गया है कि चिया सीड में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपकी मसल्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। तो आपने देखा वेट लॉस के साथ साथ आपको कितने ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे इससे, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी और वेट लॉस भी हो जाएगा, है ना। तो ये तो हुई ना सोने पे सुहागे वाली बात, तो बस आज से इसको अपनी डाइट में शामिल करें। अब बारी आ जाती है इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच चिया सीड, उसको रात को 1 ग्लास पानी में भिगो के रख देना है। सुबह आप जब देखेंगे चिया सीड तो बिल्कुल ये फूल चुकी होगी, एकदम जेली जैसी बन चुकी होगी, ठीक है। इसमें हमें अब 1 लेमन का जूस ऐड कर लेना है, पूरे लेमन का। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है तो आप लेमन अवॉइड कर सकते हैं, या आपको लेमन से कोई एलर्जी है तो आप लेमन अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी। हनी क्या करेगा, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको यूज नहीं करना। हनी भी आपकी बॉडी को अंदर से क्लींस करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर देता है, आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो आपने इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने सिप सिप करके पीना है। हो सकता है आपको पीने के टाइम इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, आपके मुंह में जब जेली आए तो आपको थोड़ा सा अजीब फील हो, तो आप उसको निगल जाइएगा। मैं भी इसको निगल जाती हूँ, वो डाइजेस्ट हो जाती है। जरूरी नहीं कि हमें इसको चबाना है, वो ऑलरेडी जेली के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इजिली वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, पच जाती है। तो आपको इसको बिल्कुल रोजाना 1 महीने तक लगातार पीना है। फिर आपने 15 दिन का गैप देना है, दोबारा से आपने इस रेमेडी को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कोई भी रेमेडी के साथ आप 15 डेज का गैप जरूर मेंटेन किया करें, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ढीठ होती है, उसको हैबिट हो जाती है, तो थोड़ा उसको गैप दें, देन दोबारा से आप उस रूटीन को फॉलो करें। अब बारी आती है इसको लेने के कितनी देर बाद है कुछ खाना। जैसे आपने रेमेडी इनटेक करी, इसके 1 घंटे बाद ही आपको अपना ब्रेकफास्ट या कुछ भी चीजें इनटेक करनी है। लेकिन इन बिटवीन 1 मंथ आपने अपने आप से कसम खा लेनी है, या फिर एक चार्ट बना लेना है आपने घर पर, एक पेपर पर लिख लेना है पेन से कि आपने 1 महीना 1 दिन में 1 चम्मच चीनी से ऊपर इनटेक नहीं करना, और नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है। साथ में चीनी का जो इस्तेमाल बताया है उसमें चॉकलेट बिस्किट सब इंक्लूड होता है, तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि 1 चम्मच चीनी चाय में भी डाल लें, बिस्किट भी खा लें, चॉकलेट्स भी खा लें। वो पूरा शुगर किसी भी फॉर्म में अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इनटेक करना है, मेरा ये कहने का मतलब है। इसके साथ आपने फ्राइड फूड, आपने बाहर के जंक फूड अवॉइड करने हैं, हेल्दी डाइट इनटेक करनी है, और बिफोर 8 PM आपने डिनर अपना फिनिश कर लेना है। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। खाना खाते एकदम से बिस्तर पे ना लेट जाएं, वज्रासन में बैठे, जरूर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आप इजीली 1 महीने में 10 किलो वजन घटा लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग चिया सीड को सब्जा के बीज समझते हैं, तो सब्जा के बीज तुलसी के बीज होते हैं, ये वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज दोनों चीजें अलग है, चिया सीड अलग है, सब्जा के बीज अलग होते हैं। तो प्लीज खरीदने के टाइम कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजन से बचने के लिए लिंक चेक कर सकते हो, वहां से खरीद सकते हो, ठीक है। कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, जस्ट मैं यूज करती हूँ तो मैंने आपको सजेस्ट किया, दैट्स इट, ओके। आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों का 1 लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम कुछ और बेहतरीन लाने के लिए, ठीक है। खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।